लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन 6 मई को देशभर की 51 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। खंडवा में दिव्यांग मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करने के लिए आयोजित हुई कार्यशाला। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर भी होगा चुनाव प्रचार आज होगा खत्म। 6 मई के मतदान को लेकर किए गए व्यापक इंतजाम। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने निर्वाचन तैयारियों को लेकर छतरपुर और रीवा में की समीक्षा बैठक। सुव्यवस्थित मतदान के लिए अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। प्रचंड हवा और भारी बारिश के साथ आए चक्रवाती तूफान फानी से ओडिशा के कई जिलों में भारी तबाही। राहत और बचाव के लिए केंद्र और राज्य की विभिन्न एजेंसियां कर रही हैं काम। फानी का असर पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में भी किया जा रहा है महसूस। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं से गर्मी की तपिश हुई कम। ओडिशा में फानी के असर को देखते हुए ओडिशा की कई ट्रेनें रद्द। हबीबगंज उधना सहित 6 ट्रेनें की गई कैंसिल। समता एक्सप्रेस पातालकोट एक्सप्रेस को भी किया गया रद्द। शनिश्चरी अमावस्या के पावन अवसर पर प्रदेश भर में आस्था और भक्ति भाव का दिख रहा है माहौल। पवित्र सरोवरों और नदियों में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। भगवान शनिदेव की हो रही है पूजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन गैंग के 3 आतंकियों को मार गिराया। मरने वालों में बुरहान गैंग का आखिरी सदस्य लतीफ डार भी शामिल। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 2 अन्य लोग भी घायल। पाकिस्तान ने जैश सरगना मसूद अजहर की गतिविधियों पर लगाया प्रतिबंध। पाक सरकार ने मसूद अजहर की सभी संपत्तियों को जब्त कर हथियार खरीदने और विदेश यात्राओं पर लगाई रोक। माइनिंग विभाग ने सीहोर जिले में 4 जगहों पर अवैध रेत का कारोबार करने वाले लोगों पर दी दबिश। अवैध रेत से भरे 16 डंपर किए गए जब्त। रेत माफिया ने माइनिंग कर्मचारियों पर किया हमला। आगामी 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए भोपाल से अब तक करीब 2000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। हेलीकॉप्टर से बाबा अमरनाथ जाने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने अली अलीयेव इंटरनेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। 11 दिन में जीता 2 स्वर्ण पदक। पिछले सप्ताह चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप में भी जीत चुके हैं स्वर्ण पदक। मोहाली में आयोजित आईपीएल मुकाबले में कोलकाता की टीम ने मुंबई को 7 विकेट से दी मात। शुभमन गिल ने बनाया अर्धशतक। और आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारतीय टीम 3 पायदान गिरकर पहुंची 5वें स्थान पर। पाकिस्तान नंबर 1 और दक्षिण अफ्रीका नंबर 2 पर हुए काबिज। इंग्लैंड 3रे और ऑस्ट्रेलिया 4थे नंबर पर पहुंचे।